ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और मेरे प्रियो एक बार फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में हम हैं अपने वायदे के वचन को लेने के लिए। और आज 22 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 5 पद के अंदर, साम 30 एंड वर्स 5, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें प्रसन्नता देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें अनुशासित करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो एक ऐसा पिता है, ऐसा भला पिता है, ऐसा अच्छा पिता है। हालेलुया। जो दुनिया का बेस्ट फादर है। हालेलुया। वो ऐसा पिता है, ए गुड फादर विल ओनली बी एंग्री एज नेसेसरी टू ट्रेन द चाइल्ड। यानी एक पिता जैसे अपने बच्चे को अनुशासित करता है, ऐसे हमारा परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। और वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमारा परमेश्वर जो है उसका जो क्रोध है, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। और वो क्रोध किस लिए होता है? वो हमें अनुशासित करने के लिए होता है। वो पवित्र क्रोध जो होता है वो हमें अनुशासित करने के लिए, हमें साफ करने के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें सुंदर बनाने के लिए होता है। परमेश्वर का जो वो क्रोध होता है हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, परमेश्वर का वो क्रोध होता है। हालेलुया। पवित्र क्रोध वो परमेश्वर का होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि उन्होंने पिता के घर को जो है वो डाकुओं की खो बना दिया है, वहां प्रभु यीशु मसीह के पवित्र क्रोध को हम देखते हैं। वो सब कुछ जो है हटाना वहां से चाहते हैं, उस पवित्र जगह को वो पवित्र करना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे ही हम भी पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है हम पर जो है चाहता है, हमको चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए, अपने चाल चलन को, अपने जीवन को हम पवित्र बनाए मेरे प्रियो। और लिखा है उसका जो क्रोध होता है वो क्षण भर के लिए होता है। वो क्रोध करता नहीं रहता, वो केवल इसलिए क्रोध करता है ताकि हम अनुशासित हो जाएं। हालेलुया। ऐसे ही एक पिता अपने बच्चे पर एक थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए क्रोध करता है ताकि वो डिसिप्लिन में आ जाए। अगर वो कह रहा है नो, यानी इसको नहीं करना है, वो थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है ताकि उसका बच्चा जो है वो समझ जाए कि पापा गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये मुझको नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन वो हमेशा क्रोध करता नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद उसका क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। वचन बताता है कि परमेश्वर यहोवा कैसा परमेश्वर है। लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। विलंब से कोप करने वाला। हालेलुया। विलंब से कोप करने वाला और थोड़े समय के लिए। याकूब की पत्री में भी हम देखते हैं लिखा है, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध में रहना नहीं है। हालेलुया। क्रोध केवल उस गलत काम के लिए जो वचन के अनुसार नहीं है, वो पवित्र क्रोध है। जहां पर आप किसी को वचन के अनुसार ढालने के लिए, परमेश्वर के भय में लेके आने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेके आने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी को अनुशासित करने के लिए जो है आप इस प्रकार का क्रोध कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा अनुशासित हो जाए, अनुशासन में आ जाए। हालेलुया। और लिखा है कि
उसकी प्रसन्नता तब जीवन भर की होती है, जिसको अनुशासित किया जाता है, जिसको सिखाया जाता है। जो अनुशासित होता है तब क्या होता है कि वो प्रसन्नता जो आती है वो जीवन भर के लिए आती है। हालेलुया। बाद में उसका प्रतिफल जो है वो मिलता है। अगर अनुशासन नहीं होगा, आत्मिक अनुशासन नहीं होगा, तो आत्मिक फल नहीं मिल पाएगा। जब आत्मिक अनुशासन होगा तभी हमको आत्मिक फल जो है अपने जीवन में मिल पाएगा। यदि हम आत्मा के फलों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आत्मिक अनुशासन में मुझे और आपको चलने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है जो मैंने बोली है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जो है वो प्रॉमिस करता है कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। गॉड प्रॉमिस अस फॉर रिस्टोरेशन। हालेलुया। हमको रिस्टोर करने के लिए His beloved bride and church, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को परमेश्वर कह रहा है। और हमें क्या करने की जरूरत है जब हम परमेश्वर की दुल्हन है, परमेश्वर की कलीसिया है? दो बातें, इन बातों को सीख लीजिए। पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है, अपने आप को बदलना है। और दूसरी बात, कम इन डिसिप्लिन, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करना है, अपने परिवार को अनुशासित करना है, अपनी कलीसिया को अनुशासित करना है। सच्चा पश्चाताप करना है, हालेलुया, क्षमा मांगनी है और छोड़ना है गलत बातों को। और क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हमें अनुशासित करना है, अपने परिवार को और अपनी कलीसिया को परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुशासित करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत के साथ आशीष करे मेरे प्रियो। तो आज यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारा ऐसा पिता है जो हमें अनुशासित करता है और वो कहता है कि मैं अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को जो है वो आनंद से भरना चाहता हूं, वो प्रसन्नता जो जीवन भर की प्रसन्नता है, ऐसे आनंद से मैं अपनी कलीसिया को भरना चाहता हूं, तो मुझे और आपको, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, परमेश्वर की कलीसिया हैं, तो वो दो बातें जो हमने सीखी हैं कौन कौन सी हैं, मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है जो हमने आज सीखा है, जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।